वेलकम बैक टू माय चैनल द मिरर ऑफ ट्रूथ। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ मैकेनिकल मेथड्स के बारे में जो स्टेलाइजेशन के लिए यूज किए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको हम हीट के द्वारा स्टेराइल करें या किसी केमिकल के द्वारा स्टेराइल करें तो उस प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी है वो ख़त्म हो सकती है या वो नष्ट हो सकता है, जिस कारण से हमें एक ऐसे मेथड की ज़रूरत पड़ती है जिस मेथड के सहारे हम माइक्रोब्स जो उस प्रोडक्ट के अंदर एंटर उसको बाहर निकालें। तो वो मेथड है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के सहारे जो हीट लेवाइल मटेरियल्स हैं जो हीट से ख़राब हो सकते हैं, जैसे वैक्सीन है, एंटीबायोटिक है, टॉक्सिन है, सीरम है या जो एयर है, इन सबको फिल्टर किया जाता है और इसके अंदर मौजूद जो माइक्रोब्स होते हैं उनको हम बाहर करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। दो तरह के फिल्टर यूज़ किए जाते हैं, डेप्थ फिल्टर और मेम्ब्रेन फिल्टर। ये दो फिल्टर होते हैं। डेप्थ फिल्टर की बात करें तो ये पोरस फिल्टर होते हैं जो पार्टिकल को रिटेन कर लेते हैं। डेप्थ फिल्टर जो है वो रदर देन जस्ट सरफेस की तरह होता है, या लार्ज मास ऑफ पार्टिकल को क्लॉग्ड होने से पहले ही ये ट्रैप कर लेता है। फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड इज हाई, इस तरह के फिल्टर से फिल्टर करने के लिए जो फ्लो रेट है फ्लूइड का वो काफ़ी हाई होना चाहिए। एंड लो कॉस्ट, ये काफ़ी कम कीमत पे मार्केट में अवेलेबल होता है, हम इसको परचेज कर सकते हैं। तो ये डेप्थ फिल्टर है जो माइक्रोब को ट्रैप करता है। वहीं दूसरी तरफ जो मेम्ब्रेन फिल्टर है, दे रिटेन ऑल द पार्टिकल्स, ये हर एक पार्टिकल को रिटेन कर लेते हैं अपने सतह पे, और जो सरफेस एरिया है वो काफ़ी बड़ा होता है, जिसपे पोर साइज जो है उस पोर साइज से बड़े माइक्रोब्स होंगे तब वो उसको ट्रैप कर लेगा। जो एवरेज पोर साइज है वो डायमीटर में 0.22 माइक्रोमीटर का होता है, और ये ज़्यादातर सेलुलोज, एसीटेट, इन सब मटेरियल के मिलके बने हुए होते हैं। यहाँ पे आपको डेप्थ फिल्टर दिखाया गया है कि जब माइक्रोब को हम फोर्स के सहारे यहाँ पे डालते हैं फिल्टर करने के लिए, तो ये डेप्थ फिल्टर उन्हें ट्रैप कर लेता है, और ट्रैप करने के बाद जो स्टेराइल वाइन है उसके अंदर भी आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हम वाइन को फिल्टर कर रहे हैं, स्टेरिलिटी के बाद भी उसमें कुछ माइक्रोब्स हमें दिखाई दे रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो आपका फिल्टर होता है मेम्ब्रेन फिल्टर, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। एयर को फिल्टर करने के लिए हमें हेपा फिल्टर है, हाई इफिशियंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर जो लेमिनार एयर फ्लो के अंदर होता है, या अल्ट्रा लो पार्टिकुलेट एयर फिल्टर है। ये भी दो तरह के ऐसे फिल्टर हैं जो हॉस्पिटल में ज़्यादातर यूज किए जाते हैं, ताकि डस्ट, पोलन ग्रेन, मोल्ड, बैक्टीरिया, फंगस, कुछ भी उस सराउंडिंग में मौजूद है उसको रिमूव किया जाए या ट्रैप किया जाए ताकि वो एयर प्यूरीफाई हो सके। तो इस वीडियो में हम इतनी बातें करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को हम स्टूडेंट्स तक पहुँचा सकें। थैंक यू।